कह रही हैं मुझे ही उद्धृत करते हुए कि प्रतिक्षण आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो गहरे में आपकी इच्छा है आपकी इच्छा है हुँ? आपका विचार है ये नहीं कह रहा हूँ आपकी इच्छा है अब इसके आगे सवाल क्या ये पूछो विचार के मध्य ये जो दोहरा मापदंड है कि विचार तो हमेशा मतलब इच्छा अगर दुख की है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मतलब एक वो जो एक जो दूसरा आकर्षण रहता है कि दुख से हटो दुख से हटो वो क्यों है फिर मतलब उसका उस वो कहाँ से होता है वो वो क्या है या फिर मतलब तुम तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो ना तो पॉइंटर्स जानती हो स्टैक्स भी जानती हो ठीक है तुम पॉइंटर हो क्या हो पॉइंटर और एक स्टैक है स्टैक क्या होता है एक एक तरीके से एक डब्बा होता है जिसमें कुछ एक एक के ऊपर एक चीजें रखी हुई हैं एक के ऊपर एक एक ढेर है ठीक है और वो जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है वो किसी भी एड्रेस पे पॉइंट कर सकता है ठीक है ना ये जो पॉइंटर है इसका नाम है अहम इस पॉइंटर क्या नाम है अहम और ये जो स्टैकिंग हुई है पूरी ये जो ढेर लगा हुआ है ये चित्त के अलग अलग तल हैं क्या है अलग अलग तल है सतही तल है फिर थोड़ा सा मध्यमी तल है फिर एक गहरा तल है और फिर अतल है जिसे क्या कहते हैं आत्मा हुँ? उस अतल पर सारे तल खड़े हुए हैं ठीक है ना तो तुम जिधर को पॉइंट करो तुम्हें वही मिल जाएगा तुम किस तल पर जीवन बिता रहे हो इससे निर्धारित हो जाएगा तुम्हें मिल क्या रहा है वृत्ति का नाम है दुख या ऐसे कह लो कि उस पॉइंटर के वृत्ति से रिश्ते का नाम है दुख ये जो मैं नाम का पॉइंटर है जब ये वृत्ति की ओर पॉइंट करता है तो उस रिश्ते का नाम होता है दुख वही पॉइंटर थोड़ा और नीचे चला जाए तो किसकी ओर पॉइंट करेगा अतल की ओर हम्म उसका नाम है आनंद दिक्कत बस ये कि वो पॉइंटर जब नीचे को पॉइंट कर रहा होता है तो पॉइंटर ही विलुप्त होने लग जाता है तो इसीलिए आनंद कोई अनुभूति नहीं बन पाता आनंद एक रिक्तता होता है आनंद ऐसा होता है जैसे अहम अपने से ही मुक्त हो गया हो एक राहत है तो जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें वही मिलता है जीवन में जो तुम चाहते हो तो मैं बात कर रहा हूं चुनाव के तुम्हारे अधिकार की मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा स्टैक है ये जो पूरा ढेर लगा हुआ है यहां पर इसमें से किसी को भी चुन लेना तुम्हारे अधिकार की बात है तुम किसको चुन रहे हो और जिसको तुम चुनोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही उसी तल का हो जाएगा कि तुम निर्धारित करो तुम्हें किसे चुनना है इसीलिए अध्यात्म में रोने कलपने की शिकायत करने की या अपने आप को शिकार या शोषित बताने की कोई जगह होती नहीं अध्यात्म जिस मूल समझ पर खड़ा है वो ये है कि रो मत भाई तुम्हारे साथ जो भी बीत रहा है वो तुम्हारा चुनाव है रो क्यों रहे हो हाँ तुम ये कहो कि तुम में इतनी विनम्रता आ गई है तुम समझने लग हो कि तुम आज तक गलत चुनाव कर रहे थे तो हम बात कर सकते हैं पर अगर तुम यह बताओगे कि नहीं 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 मेरे साथ तो गलत हुआ मैं तो परिस्थितियों का मारा हुआ हूं हाय 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 तो अध्यात्म कहेगा बाहर जाके हाय हाय करो कोई ग्रंथ देखा है जिसमें सूत्रों हाय हाय और फिर नीचे दोबारा हाय हाय कोई दोहा कोई श्लोक ऐसा पढ़ा है कि हाय हाय और हाय हाय ऐसा तो कुछ है नहीं यहां बात बल की है प्रखरता की है ओज और आत्मा की है है ना हमारी जिंदगी हमारा तो क्या कह रहा हूं मैं प्रतिक्षण आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो गहरे में आपकी इच्छा है अब तुम्हारा पॉइंटर अगर जाकर के ही गया है किसी गहरी अंधेरी आदिम वृत्ति पर तो तुमने अपने लिए तय कर लिया है कि दुख मिलेगा अब ऊपर ऊपर से तो तुम कभी मानोगे नहीं कि मैंने ही अपने लिए दुख तय किया इतनी ईमानदारी हमें होती नहीं तो हम अभिनय यूं करेंगे जैसे कि हमें तो चाहिए सुख ये वैसी सी बात है कि तुमने स्विगी से मंगा लिया है अपने लिए गर्मागर्म मांस और अभिनय ये करो कि मैंने तो जी खिचड़ी ऑर्डर करी है तुम कुछ भी अभिनय करते रहो तुम्हें डिलीवर क्या होगा मांस हम ऐसे ही हैं हमें डिलीवर वही होता है जो हम ही ने ऑर्डर करा है पर जब वो आ जाता है तो हम कहते हैं उफ माँ मेरे साथ क्या हो गया कुछ नहीं हो गया बेटा जो मंगाया था वो आ गया और आपने अभी अभी उसका भुगतान भी किया है वो रसीद भी दे के गया है आपने ही मंगाया था इसलिए आया है अब ज़्यादा भोले मत बनिए बात समझ में आ रही है आपका विचार है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं आपकी इच्छा है जो फलित होती है तो विचार तो यह हो सकता है कि दलिया मंगाया है मैंने लेकिन ऑर्डर आप वास्तव में वही करोगे जो आपकी इच्छा है गहरी इच्छा और वो इच्छा किस बात से प्रमाणित होती है सत्यापित होती है क्योंकि पहली इच्छा आपकी यही है कि आप पॉइंट कहां को कर रहे हैं उसको आपने जहां अटका दिया अपने संकेतक को अपने पॉइंटर को उसी के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटने लगेंगी आप भले ही फिर ऊपर ऊपर किसी भी तरह का आश्चर्य व्यक्त करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मैं ऐसा चाहती नहीं पर मेरे साथ हो जाता है पर उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है हो वास्तव में वही रहा है जो तुमने निर्धारित कराया तुम अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो आचार्य जी ईश्वर ने नहीं लिखी हमारी कहानी उसका कहानियों में कोई रस नहीं है कहानी तो फंतासी होती है लच्छेबाजी क्या करेगा परम ब्रह्म कहानियों में रस लेकर के कहानियां सब कहां से उठती हैं तुम्हारे ही मन के अनेक तलों से जब सब कहानियाँ बच्चों तुम्हारी ही हैं तो अच्छी कहानी लिखो ना। और ये तो कभी कह ही मत देना कि मेरी कहानी सड़ी हुई है और इस सड़ी हुई कहानी का जिम्मेदार वो ऊपर वाला है मैं कह रहा हूँ ना वो बुरी कहानी लिखता है वो अच्छी कहानी भी नहीं लिखता उसका किसी कहानी से किसी कथा से किसी कल्पना से कोई सरोकार नहीं है कलम उसने किसके हाथ में रख दी है तुम्हारे हाथ में रख दिए तुम्हें जो लिखना हो लिखो ये जो विचार हैं इन दोनों में यानी कि कोई असमानता है ये चुनाव करने वक्त अपने विचारों को और अपने चुनाव को एक साथ देख नहीं सकता है ऐसी परिस्थिति में फिर इसकी असमानता ऐसी है समझ लो कि कोई हो जो जाए और अपने आप को एच का इंजेक्शन लगाए और फिर घर वापस आके खूब नहाए धोए साफ सुंदर कपड़े पहने डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करे घर में एक मक्खी एक मच्छर न घुसने दे पूरे मोहल्ले में घोषणा करे कि स्वच्छता बड़ी बात है सफाई होनी चाहिए तो विचार के तल पर तो यह व्यक्ति क्या चाह रहा है स्वच्छता यह चाह रहा है गंदगी और संक्रमण से मुक्ति यह चाह रहा है ना और एक कर के क्या आ गया है यह कर क्या आया इसने पॉइंटर क्या कर लगा दिया है हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं चुपचाप हम अपने आप को संक्रमण का इंजेक्शन लगाते रहते हैं किसी अंधेरे कोने में और फिर बाहर निकल करके बहुत पाक पावन हो जाते हैं खूब नहाते हैं खूब धोते हैं डिटॉल से हाथ अरे देखो दीवाल में कहीं पे कुछ गंदा है साफ करो साफ करो साफ करो अब तुम बताओ कि क्या है और इच्छा क्या है विचार और वृत्ति में अंतर समझ रहे हो जिसको मैंने यहां इच्छा कहा है वो मैं गहरी वृत्ति की बात कर रहा हूं वैचारिक तल पर तुम क्या चाह रहे हो सफाई वैचारिक तल पर तुम चाह रहे हो स्वच्छता और वृत्ति के तल पर तुम चाह रहे हो संक्रमण मिलेगा क्या दोनों मिलेंगे बाहर बाहर स्वच्छता और भीतर संक्रमण दोनों मिलेंगे हमें दोनों मिलते हैं वैचारिक तल पर जो हम चाहते हैं वो हमें बाहर बाहर मिल जाता है और वृत्तिगत तल पर जो हम चाहते हैं वैसी हमारे मन की दशा हो जाती है मैं के बारे में जानने के लिए मेरी ओर मत देखो किसी भी इंसान की ओर देख लो इंसान जो कुछ कर रहा है वही तो मैं की करतूत है ना तो देखो लोग क्या करते हैं वही तुम्हें पता चल जाएगा कि इस मैं की प्रकृति क्या है पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा हाँ बस तो लोग जो मैंने कहा वैसा करते हैं कि नहीं करते हैं तो मैं ऐसा ही है हा? कि जैसे कोई दिन भर उपवास करे दिन भर उपवास करे और रात को जब सो जाएं सब और कहीं किसी को पता ना लग रहा हो तो 24/7 में जा करके के चीज बर्गर दो तीन साफ कराए हम ऐसे होते हैं लोग ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं बोलो तो बस यहीं से समझ लो कि हमारे प्रकट इरादे कुछ और होते हैं और प्रच्छन्न वासनाएं बिल्कुल दूसरी होती हैं खलील जिब्रान की एक कहानी है सुनोगी माँ बेटी की कहानी है माँ और बेटी तो एक थी माँ और एक थी बेटी और दोनों को नींद में चलने की आदत और चलें और बोले तो एक रात ऐसा हुआ कि माँ बेटी दोनों नींद में चलने लगी और चलते चलते जाकर के बाहर बगीचे में टकरा गई एक दूसरे से जब टकरा गई अभी नींद में है दोनों जब नींद में हो तो तुम्हारी जो चेतना के जागृत तल हैं वो अभी निष्क्रिय हैं वो अभी सोए पड़े हैं जब तुम नींद में होते हो तो क्या सक्रिय हो जाती हैं गहरी वृत्तियां नींद में वो सक्रिय हो जाती हैं तो ये माँ बेटी जाकर के बाहर बगीचे में टकरा गई दोनों अभी नींद में ही हैं और लगी एक दूसरे को गरी आने बेटी बोल रही है तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है तेरी जैसी मां किसी दुश्मन को ना मिले चुनिंदा गालियां हम्म अब ये कहानी खलील जबरान और आचार्य जी दोनों की हो गई आचार्य जी ने भी उसमें अपना उसके बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाता कुछ तो मिलाना पड़ता है ना मां ने भी बढ़िया खरी खोटी सुनाई एक तो हॉस्टल में छः साल बिताने का नतीजा ये होता है कि जैसे ही कोई बात व्यक्त करनी होती है खरी खोटी वाली कि इतिहास सक्रिय हो जाता है वो सब चुरिंदा अल्फाज जो बीटेक और एमबीए में बिल्कुल जबान पे रहते थे वो दोबारा मचलने लगते हैं खैर कोई बात नहीं तो मां भी अब कह रही है कि तू पैदा हुई तेरी वजह से मुझे पचास तरह की जिम्मेदारियां लेनी पड़ी तू मेरी खाल का कोड़ है तू ये तु वो जो भी तो ये अपना गाली गलौच चल रही है चल रही है और तभी सुबह हो जाती है मुर्गा बोलता कुकड़ो जाती हैं और जगते ही बिटिया कहती है ओ मां तुम यहां क्या कर रही हो बाहर ठंड में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी कैसे और माँ कहती है बेटी ये कोई तरीका है रात में ऐसे बाहर आने का तेरी खातिर जीती हूं तुझे किसी की नजर लग गई तो मैं तत्काल मर जाऊंगी ये आदमी का जीवन है ऊपर ऊपर कुछ और और अंदर अंदर बिल्कुल कुछ और और जो आदमी के मन के इन तलों को इन स्टैक्स को नहीं समझता वो धोखे में रह जाएगा वो बस अपने आचरण को देखेगा ऊपर ऊपर से और उसको लगेगा कि मैं तो अच्छा ही आदमी हूँ वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसके मन की गहराइयों में कौन कौन से राक्षस पल रहे हैं ठहाके लगा रहे हैं आधुनिक मनोविज्ञान का बड़ा योगदान रहा आदमी के मन को वैज्ञानिक तरीके से समझने में फ्रायड ने यंग ने आदमी का जो सोया हुआ मन है hmm? जो प्रसुप्त मन है अचेतन या अर्धचेतन मन है उस पर खूब काम किया जो बातें मैं अभी यहां पर कह रहा हूं इनसे वो बिल्कुल सहमत रहते गहराई में हमारा पॉइंटर कहीं और होता है और ऊपर ऊपर से हमारा प्रदर्शन बिल्कुल कुछ और होता है और मैं समझा रहा हूं कि आपके साथ वो नहीं होगा जिसकी बात आप ऊपर ऊपर कर रहे हो आपके साथ वो सब कुछ होगा जो गहरे गहरे आपने निश्चित कर दिया है ये गहराई वाले मामले का फिर समाधान क्या है सामाजिक तल पर माना गया कि अगर विचारों के तल पर कुछ गड़बड़ दिख रही है तो उसका इलाज है बेहतर विचार कहा गया कुविचार का इलाज है सुविचार अब आदमी की पकड़ में विचार से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं वृत्ति पर तो उसका बस चलता नहीं तो नासमझ लोगों ने यह तरीका निकाला कि वृत्तियों को काटने के लिए भी विचार का सहारा लो उन्होंने कहा अच्छा सोचो अच्छा सोचो बेहतर सोचो या अगर गलत सोच रहे हो तो सोचना बंद करो सोचना बंद करो सोच का दमन करो ना वृत्ति विचार से नीचे बैठी है वृत्ति विचार की अम्मा है विचार वृत्ति को नहीं जीत पाएगा वृत्ति को जीतने के लिए कोई चाहिए जो वृत्ति से भी गहरे बैठा हो यहां अध्यात्म की उपयोगिता है विचार विचार से नीचे है वृत्ति और ये विचारों के भी कई तल होते हैं ऐसा नहीं सतही विचार होता है फिर गहरा विचार होता है फिर ये होता है फिर होता है वृत्तियों के भी कई तल होते हैं पूरा स्टैक है और इन सब में मैंने कहा था कि इन सब तलों से नीचे एक अतल बैठा हुआ है उसका क्या नाम आत्मा तो वृत्ति को अगर जीतना हो तो वृत्ति से नीचे जाना पड़ेगा आत्मा तक जाना पड़ेगा यही अध्यात्म है और मात्र वही तरीका है स्वयं को जीतने का मात्र वही तरीका है स्वयं के परिशोधन का उसके अलावा कोई नहीं ये जो आप बोल रहे हैं आत्मा तक जाना पड़ेगा ये थोड़ा सा ऐसा मतलब गहराई में जाना पड़ेगा ऐसे समझ लो व्यवहारिक तौर पर कि अपने आप को सिर्फ सतह सतह पे नहीं देखना पड़ेगा पूरी जान लगा देनी पड़ेगी क्या देना पड़ेगा कि मुझे सच चाहिए ये जो सच की साधना है यही तो अध्यात्म है ना कहना होगा कि ऊपर ऊपर जो मुझे दिख रहा है मुझे उस पर बहुत भरोसा नहीं है हकीकत क्या है मेरी मुझे ज़रा ये पता करने दो और उसके लिए तरीके हैं अवलोकन तरीका है प्रयोग और तरीका है श्रवण सब तरीक़ों का इस्तेमाल करो अपने आप को देखो भी अपने ऊपर प्रयोग भी करो और अपने बारे में जो ज्ञान मिल सकता है किसी और से सुनने से उसको सुनो भी सब तरीक़ों का इस्तेमाल करो